will be speaking right. a little later. Pallavi, I'm really sorry. I'm interrupting you there. We're also putting out visuals of the Lok Sabha and the Rajya Sabha that now stand resume after the adjournment that had happened. In the Rajya Sabha, we'd seen some unruly scenes. There was a suspension of Derek O'Brien, the TMC MP. In the Rajya Sabha, now both the houses have resumed. स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है. मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री कृष्णपाल जी. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ. आइटम नंबर 3 श्री नित्यानंद राय जी. मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ. आइटम नंबर 4 श्री भगवत कराड़ जी. ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन ऑन बिहाफ ऑफ माय कलीग श्री पंकज चौधरी, आई राइज टू ले द पेपर्स मेंशन अगेंस्ट हिज नेम एट सीरियल नंबर 4 इन रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस फॉर टूडे. आइटम नंबर 5 श्री शोभा जी. Shown a serial number 5 of the revised bill of business in the Lok Sabha for today on the table of the house. Item number 6, Sri Kailash Chaudhary ji. Maniya Adhyaksh Mohdi ji, aapki anumati se main aaj ki Lok Sabha ki sanshodhit karyasuchi mein mere naam ke sammukh kram sankhya 6 par ulikhit patra sabha patal par prastut karta hu. Item number 7, Sri Ajay Kumar ji. अध्यक्ष जी, मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ. आइटम नंबर 8 श्री निशित प्रमाणिक जी. महोदय, आज की कार्य संचालन की संशोधित सूची क्रमांक नंबर 8 पर मेरे नाम के आगे दर्शाए गए दस्तावेज को सभा पटल पर रखता हूँ. आइटम नंबर 9 डॉक्टर हिना गावित. Sir, I rise to present the 7th report, Hindi and English version of the Committee on Empowerment of Women 2020-23 on the subject health facilities for tribal women as listed against my name at serial number 9 in today's order paper. Item number 10, C. Ramesh Vidur ji. Adhik ji, aaj ki karya suchi mein mere naam ke saamne suchibadh petroleum, natural gas, sambandhit prativedan 21-22 aapke saamne prastut karta hoon. Item number 11, C. Radha Mohan Singh ji. संख्या 11 में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध रेल संबंधी स्थायी समिति के 15वें एवं 16वें प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखता हूँ. आइटम नंबर 12 श्री धर्मवीर सिंह जी. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्य सूची से क्रम संख्या 12 पर मेरे नाम के समक्ष तथा यथा सूचीबद्ध शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूँ. आइटम नंबर 14 श्री प्रहलाद जोशी जी. परमिशन आई राइज टू मूव. एक मिनट. आइटम नंबर 13 श्री कृष्णपाल जी. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 311वीं, 316वीं, 319वीं 321वीं प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित व्यक्तित्व सदन के पटल पर रखता हूँ. आइटम नंबर 14 श्री प्रहलाद जोशी जी. सर, विथ योर परमिशन आई राइज टू मूव द फॉलोइंग दैट दिस हाउस डू एग्री विथ द 44th रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑन 7th अगस्त 2023. प्रश्न ये कि ये सभा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 7/8/2023 को सभा के 44वें प्रतिवेदन से सहमत है. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ. महासचिव जी. सर, आई हैव टू रिपोर्ट दैट राज्यसभा एट इट्स सिटिंग हेल्ड ऑन द 7th August 2023 एग्रीड विदाउट एनी अमेंडमेंट to the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 and the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha. जिन मान्य सदस्यों को नियम 37 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखने का कष्ट करें.
आइटम नंबर 16 मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव, श्री गौरव गोगोई जी। एक पॉइंट सर, सर सुबह जहां तक मैं जानता हूं सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई के स्थान पर बोल रहे हैं, क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का, राहुल क्या हो गया ऐसे, क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर, अभी 12 बजे चेंज हो गए, क्या हो गया थोड़ा हमको भी समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट, लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड सर, तो ही जस्ट एट 11:55 ही हैज गिवन अ लेटर दैट मिस्टर राहुल गांधी इज गोइंग टू स्पीक, व्हाट हैपेंड इन 5 मिनट्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम सर, वी आर वेरी मच एंथुसियास्टिक टू लिसन मिस्टर राहुल गांधी सर। हाउस को ऑर्डर में ले सर, श्री गौरव जी, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय आपके दफ्तर में अगर क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही आप इस सदन के रक्षक हैं, आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है, क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते, कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए, एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए, प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और चेयर का नाम लेते हुए ऐसे अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते, उनको बताना चाहिए दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसको भी उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट आप सब एक मिनट बैठिए, एक मिनट मैं बैठा हूं ना, माननीय सदस्य कभी भी कोई भी विषय, ये मेरा चैम्बर भी सदन है आप जानते हैं वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिसका कोई तथ्य और सत्य ना हो, मेरा कहना सर मैंने जो पब्लिक डोमेन में है सर, जो पब्लिक सर जो पब्लिक डोमेन में है, इन्होंने जो लेटर दिया है और प्रेस को भी कहा है सर, तो प्रेस के पास अनुभव होता है, प्रेस के पास भी सर इनका लेटर है सर, प्रेस पे चल रहा है, उसके बारे में मैंने पूछा हो, मैंने कुछ सीक्रेट नहीं पूछा, सीक्रेट इनका जो सीक्रेट है मैंने नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने क्या बता रहे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेके शेयर कर गरिमा और एक संसद की, उनको पता है वो बोलने तो हम भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे अनाप शराब आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर मंत्री महोदय अगर ये ऐसा नियम शुरू करना चाहते हैं कि सदन आपके दफ्तर में जो बात होती है उसको बाहर उजागर करना चाहेंगे तो बात हम भी रख सकते हैं सर, हम भी उल्टा बात रख सकते हैं अंदर के। तो इस प्रकार के आप संसदीय मंत्री हैं, आप संसदीय मंत्री हैं, आप इस पब्लिक डोमेन में प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज इन द पब्लिक डोमेन, इट इज इन द मीडिया, इट इज इन द सोशल मीडिया, व्हाट आर यू टॉकिंग, हमारे अध्यक्ष महोदय के दफ्तर में जो बातें करते हैं उसको इस प्रकार से आप उसका उल्लंघन मत करिए, आप संसदीय मंत्री हैं, आप तो अपना कर्तव्य याद रखिए, आपका लेटर पब्लिक डोमेन में है, आप तो अपना कर्तव्य याद रखिए। अध्यक्ष महोदय अब एक मिनट, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कोई भी ऐसा
हम इस सदन की गरिमा के अनुसार बोलें, सदन की परंपराओं के अनुसार बोलें। अविश्वास प्रस्ताव एक गंभीर प्रस्ताव है, तो मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि वह चर्चा को गंभीरता से करें तो उचित रहेगा। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को आपके समक्ष रखता हूं और आपकी अनुमति की अपेक्षा करता हूं कि मैं अपना वक्तव्य रखूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इंडिया अलायंस के इस अविश्वास प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया। जब 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 आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है, तो मैं इस मंच से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ के लिए। आप पहले प्रस्ताव रख दो, प्रस्ताव रख दो आप पहले। सर, प्रस्ताव मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूँ। मैंने शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी। ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है, इंसाफ है। मैं पढ़ू महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूँ कि ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर, अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है, मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी ना इंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। सर, अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है, अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ तीन सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृहमंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? यह है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्रिमंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, आप बोलें, आपको किसी ने नहीं रोका,
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है, माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं दो बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले आप मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये तीन सवाल हैं सर, और शायद इन तीन सवालों का तीन उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं? शायद उस प्रश्न का उत्तर भी तीन है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6,500 एफआईआर है, और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण मनाना चाहिए था, बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काओ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। आज हम मणिपुर गए हैं, क्या मणिपुर में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। क्या उत्तर पूर्वांचल में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। इससे पहले भी हुए हैं, मणिपुर में भी हुए हैं। मैं खुद उत्तर पूर्वांचल का हूं, मैं खुद जिम्मेवारी से कहता हूं कि हुए हैं, लेकिन पहली बार। अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो, पहले आप लोग जाओ। सर हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में दो वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के दो वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले की भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के लोग रहते हैं और वैली में एक वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने दो मणिपुर आपने बना दिए हैं। आपके राजनीति से दो मणिपुर आज बन गए। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को, इस सदन से पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की राजधर्मों को याद करने के लिए सलाह दूंगा, जिन्होंने कहा कि राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना समुदाय के आधार पर। सर आज इस माहौल में अगर सबसे ज्यादा पीड़ा किसी को झेलना पड़ा है तो महिलाओं और बच्चों को। हमने देखे हैं वो वायरल वीडियो में, उनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, उससे सबको पीड़ा हुआ। पर ऐसे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहे कि ऐसे 100 एफआईआर हैं। हम भी गए हैं सर, इंडिया डेलीगेशन, हमारे संसदीय दल, उस परिवार से हम मिलके आए हैं जिसमें दो महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ। हमने ऐसे भी
एक परिवार से मिले जिसमें एक 80 साल की महिला जो एक स्वतंत्रता संग्रामी की पत्नी थी उसको घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। जो दो महिला जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है उसमें से एक महिला का पत्नी कारगिल में हमारे देश के लिए हमारी सीमा को सुरक्षा कर रहा था। वो कारगिल का जवान बोल रहा है मैंने देश को बचाया पर मैं अपने घर और अपने परिवार को नहीं बचा पाया। जब हम उनसे मिलते हैं तो हमको क्या कहें? आप लोग कहते हैं हम फोटो अप करने गए थे। सर दुख के समय में संवेदना उनको देने गए थे। आज महिलाओं बच्चों के साथ आऊंगा, अब सारे बातों पे आऊंगा, सब पे आऊंगा। धर्मीय जगह को भी बख्शा नहीं गया, धर्म अनुष्ठान पर भी आज भीड़ घुसी और उसका असम्मान किया। आज इंटरनेट नहीं है, आप कहते हैं कि सब नॉर्मल है, स्थिर है, आज भी इंटरनेट नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग अपनी बातें नहीं रख पा रहे। आज भी कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहे, वो तो वीडियो वायरल हो गया, नहीं तो मुझे लगता था कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहते अगर वीडियो वायरल नहीं होता। पर ऐसे हजार से ऐसे अत्याचार हुए, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? अभी ड्रग्स के ऊपर वो बोलते हैं कि सब ड्रग्स के लिए हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर पूर्वक मैं ये बात अपने आपके समक्ष सदन में रख रहा हूं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के कार्यालय से जब एक ड्रग माफिया के बड़े नेता को वहां की पुलिस ने पकड़ा तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उस ड्रग के माफिया को बचाओ, रिहा करो। और वो ड्रग का माफिया कौन था? वो ड्रग का माफिया आप ही की दल के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे जो वहां पे जब इटोचा सिंह को पकड़ा गया, लोयांग नांगबांग इटोचा, जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि इसको रिहा करो। और ये इटोचा कौन है? वहीं के राज्य सरकार के पीएचई मिनिस्टर सुशील द्रो के भाई हैं। आज ये इन सरकार राज्य में ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स के साथ मुख्यमंत्री महोदय के दफ्तर का तालकात है। यह बात मैं नहीं कर रहा, वो पुलिस अफसर जिनको इनकी राज्य सरकार ने मेडल दिया वो आज वो बात कर रही है कि ये सरकार ने मुझे मेडल दिया और यही सरकार मुझे ड्रग्स से जुड़े हुए इनके दल के नेताओं को छोड़ने के लिए कह रही है। उन्होंने अपना मेडल वापस कर दिया राज्य सरकार। पॉपी फार्मिंग की बात करते हैं, आज आपका ही नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर एनएबी ये कहता है द स्केल ऑफ पॉपी प्लांटेशन इन मणिपुर हैज स्प्रेड अक्रॉस 15,400 एकर्स ऑफ लैंड इन द हिल्स बिटवीन 2017 एंड 2023। 2017 में आपकी सरकार आई थी। आज इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 में कहता है दैट विद इन टू इयर्स टाइम द फॉरेस्ट एरिया ऑफ मणिपुर हैज डिक्रीज बाय 248.63 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये आपके सरकार के नजर के सामने वहां के जंगलों को काटा जा रहा है और पॉपी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गृह मंत्री ड्रग्स को लेकर बार बार वक्तव्य देते हैं, लेकिन गृह मंत्री महोदय आपको भी पता है कि पिछले 5-6 सालों में ड्रग्स की यह समस्या कमी नहीं थमी नहीं बढ़ती जा रही है। लगभग 2017 में एनसीआरबी का डेटा है 1,113 केसेस, 2021 में 3,611। तो ड्रग्स की समस्या आज बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो मौन रहे ताकि उनकी राज्य सरकार की छवि धूमिल ना हो, क्योंकि उनको छवि से लगाव है।
चाहे लोगों पे अत्याचार हो, ड्रग्स की समस्या बड़ी हो, ये उनके लिए महत्व नहीं रखता। पर जैसे कि मैंने कहा कि उनके मौन रहने का कारण तीन है, अभी तो मैंने सिर्फ एक कारण का उजागर किया। और दूसरा कारण यह है, और बहुत मैं सम्मानपूर्वक ये बात कहना चाहता हूं, दूसरा कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन रहने का यह है कि आज भारत केंद्र सरकार का गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज विफल हुए हैं। क्या हो रहा है मणिपुर में? 5,000 से ज्यादा हथियार आज लोगों के हाथों में है, लगभग 35 पुलिस स्टेशन में भीड़ वहां जाकर वहां से हथियार अपने साथ ले जाते हैं। कभी आप जितने भी राज्यों का आपने जो उजागर किया है, कभी ऐसी स्थिति देखी है कि 2 महीनों में एक भीड़ पुलिस थाने में जाकर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर वहां पे जो हथियार है वो लेके जाती है? क्या क्या हथियार ले गए हैं, क्या क्या हथियार लूट के ले गए हैं? इंसास राइफल, AK-47, लाइट LMG, लाइट मशीन गन, सेल्फ लोडिंग राइफल, SMC, मोटर, ग्रेनेड, बुलेट प्रूफ जैकेट, 6,00,000 एन्यूमेशन, 6,00,000 गोलियां आज लोगों के बीच में है। कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है? कहां है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? ये जो बंदूक है, ये जो गोलियां हैं, किस पर चलाएंगे? ये गोलियां हमारे भारतीय सेना के नौजवानों पर चलाएंगे, ये गोलियां मणिपुर के पुलिस पर चलाए जाएंगे, ये गोलियां मणिपुर के निहत्ते लोगों पर बरसाए जाएंगे। क्या क्या आपने आज ये जो हथियार है सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं रहेंगे सर, लगभग ये जो 6,00,000 एम्यूनेशन है, गोला बारूद है, AK-47, ये तो युद्ध के हथियार है, ये युद्ध के अस्त्र है, ये सिर्फ मणिपुर तक नहीं सीमित रहेंगे, ये आज उत्तर पूर्वांचल में भारत के अलग अलग जगह में ये हथियार जाएंगे और भारत के समाज को आज अशांति का वातावरण बनाएंगे। तो क्या कर रहे हैं आप? आज दुख की बात है कि अभी मुख्यमंत्री पहले तो समाज पर दोष ठहरा रहे थे, अब मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार और असम राइफल्स पे आज निशाना साध रहे। आज ही हमें सुनने में मिला कि असम राइफल्स, जिसको जिम्मेवारी दी गई है देश को, लोगों को बचाने के लिए, उनको हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के घर के जो विधायक हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो पूछते हैं कि इतने हथियार कहां से आए, क्या कर रही है केंद्रीय शासित सुरक्षा दल? ये असम राइफल्स किसके अनुसार काम करता है? ये असम राइफल्स गृह विभाग के मंत्रालय से इनको निर्देश दिया जाता है। तो एक ऐसी व्यवस्था बन गई है मणिपुर में कि मणिपुर के पुलिस आज असम राइफल्स के जवान पर उंगली उठा रहे हैं, असम राइफल्स के जवान आज मणिपुर के पुलिस पर उंगली उठा रही है। ये बना है 21वीं सदी के भारत में। ऐसे हम समाधान कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बैठाई, उससे साफ साफ साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो काम है उसको स्वीकार नहीं किया है। आज इसीलिए कमेटी बैठाई गई है। मैं पूछना चाहूंगा कि गृह मंत्री, आपने एक 51 मेंबर्स का कमेटी बैठाया, कितने बार वो कमेटी बैठी? आप 3 दिन थे, आप वहां पे गए, 51 आपने एक पीस कमेटी बैठाई, अच्छी बात है, लेकिन वो कमेटी आज तक असफल रही। गृह मंत्री ने कहा कि मैं 15 दिन बाद में आऊंगा, पर गृह मंत्री 15 दिन हो गए हैं पर मणिपुर में दिखाई नहीं दिए। जब एक सस्पेंडेड इंसर्जेंसी ग्रुप UKLF, यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन SS हाउकेप लीगल बयान में, एफिडेविट में यह बात कहता है कि भाजपा ने 2017
और 2019 के निर्वाचन में एक उग्रपंथी संगठन का उन्होंने सहयोग लिया, एक लीगल एफिडेविट में ये बात लिखा। यह है इनका राष्ट्रवाद, यह है इनका राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद देश की अखंडता को आज सत्य के दावों पे आज भूल चुका है। यह राष्ट्रवाद है कि जो आज देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज उत्तर पूर्वांचल में आपके बड़े बड़े जो भी बातें हैं सारे अभी तक नाकाम रहे हैं। एनआरसी की बात करते हैं, आज तक एनआरसी असम में लागू नहीं हुआ। सीएए की बात करते हैं, ऐसा एक माहौल वहां पे हुआ कि पूर्व जापान के प्रधानमंत्री असम नहीं जा पाए। नागा पीस फ्रेमवर्क 8 साल हो गए, अभी तक हमने नहीं देखा कि ये नागा पीस फ्रेमवर्क में हुआ क्या है। गृह मंत्री आज नागा विधायक से अलग से मिलते हैं, मणिपुर के से आए हुए कुकी विधायक से अलग से मिलते हैं। क्यों नहीं आप सबको एक साथ मिलकर बुलाएं और शांति की अपेक्षा करें? ये अलग अलग मीटिंग क्यों? ऐसे उत्तर पूर्वांचल की समस्या नहीं सुलझेगी कि अगर आप समाज जाति धर्म के आधार पर बंटवारा करें। आपको साथ में लेना पड़ेगा। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि दो उत्तर पूर्वांचल के राज्य असम और मिजोरम के पुलिस अफसर एक दूसरे पे गोली चला रहे। ये आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति है? इसी बात का उजागर राहुल गांधी जी ने इस सदन में किया था जब उन्होंने आपको चेतावनी दी थी कि आप उत्तर पूर्वांचल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। उत्तर पूर्वांचल हमारे देश का हिस्सा है, इन्होंने कहा था। आज जो तीसरा कारण मैं आना चाहता हूं जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है, पहला उनकी राज्य सरकार विफल थी, दूसरा उनका गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विफल रहे, और तीसरा प्रधानमंत्री मोदी जी के मौन रहने का कि वो अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहते। अगर वो बोले तो कि उनकी चूक हुई है राज्य सरकार से, तो ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना चाहते, मौन रहना पसंद करते हैं। और यह पहली बार नहीं हुआ है, यह पहली बार नहीं हुआ है जब भारत के स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्ती के महिला खिलाड़ी जब सड़क पे जब विरोध कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 750 किसान आंदोलन पे उनकी जीवन गई, बलिदान दिया, शहीद हुए तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 2020 में दिल्ली में रायट्स हुए, दंगे हुए, पर विदेश के एक सरकार के नेता आए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री मौन थे। जब अडानी पर इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी एक विशेष कंपनी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। जब हम बार बार पूछते हैं सर, बड़ी आश्चर्य की बात है कि सर कि अभी तक मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने गृह मंत्री का नाम लिया, अभी तक इन उनकी तरफ से विरोध नहीं आया, लेकिन जब एक विशेष कंपनी के मालिक का नाम लिया तो ये सारे मंत्री और सांसद खड़े हो गए। किसकी सरकार है सर ये, किसकी सरकार है? जब चीन पर हमने सवाल किया, चीन पर हमने सवाल किया कि चीन हमारे सीमा के अंदर कितना आए, कितने किलोमीटर पर है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के बाली समिट में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ क्या बातचीत की, उनके विदेश मंत्रालय ने इसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब चीन के विदेश मंत्रालय से बात आई तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने खुद कबूल किया कि हाँ, हमने ये बात हमने छुपाई थी कि बहुत संवेदनशील बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ
बाली में किया, हम पूछना चाहते कि क्या बातें की आपने, क्या आपने क्या समझौता हुआ, क्या बताएंगे? विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले हम सबके समक्ष एक स्टेटमेंट रखा, पर उस स्टेटमेंट पर भी बाली में प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में क्या बात हुई इन्होंने उजागर नहीं किया। आप चीन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया था, तो पूर्व ये राज्यपाल ने क्या कहा कि उनको चुप रहने का सलाह उनको मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब पूर्व एक राज्यपाल ने कहा कि हमने सुरक्षा मांगी थी हमारे पुलवामा के जवानों के लिए, लेकिन हमको कोई सुरक्षा नहीं मिली, जब ऐसा गंभीर बात एक पूर्व राज्यपाल, आपकी ही चुनी हुई राज्यपाल ने रखा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब कोविड में सेकेंड वेव में लोग के सांसों में फाफड़ों में ऑक्सीजन नहीं था, तब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में वोट मांग रहे थे। जब मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, तो प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में वोट मांग रहे थे। ये कैसा राष्ट्रवाद है? यह कैसा राष्ट्रवाद है जो देश से ऊपर अपने सत्ता को ज्यादा महत्व देता है? इस देश की इतिहास में हमने दूसरे प्रधानमंत्री भी देखे हैं। हमने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने उत्तर पूर्वांचल और भारत की संवेदना को समझा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब असम में हमारा असम अकॉर्ड हुआ 1985 में, तो असम में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन शांति के पहल के लिए उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, हम एक निर्वाचन लाना चाहते हैं ताकि शांति आगे बढ़े। ये हमारा राष्ट्रवाद है कि दल से ऊपर हमारा देश, ये हमारा राष्ट्रवाद है। जब मीजो अकॉर्ड हुआ सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए, जब मीजो अकॉर्ड हुआ 1986 में, तो मिजोरम में हमारी सरकार थी, लेकिन राजीव गांधी जी ने लाल डेंगा जी के साथ समझौता करके मिजो अकॉर्ड उन्होंने स्थापना किया 1986 में, और वहां के पू लाल डेंगा जी मिजोरम के इंटरिम गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री बने और निर्वाचन। ये है कि हमें सत्ता नहीं, हमें शांति चाहिए उत्तर पूर्वांचल में। अगर सत्ता खोनी पड़ी, दल का बलिदान देना पड़ा, तो उत्तर पूर्वांचल और देश की अखंडता के लिए हम वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। सोनिया जी को याद होगा, जब मिजो अकॉर्ड हुआ उसके अगले ही दिन राजीव गांधी जी और सोनिया जी मिजोरम गए थे, आइजवाल गए थे, और जगह जगह पर लोगों ने इन दोनों का स्वागत किया, और उन्होंने कहा स्वागत राजीव गांधी जी, वेलकम राजीव गांधी जी, आप शांति के प्रतीक हो। ऐसा पहल प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में क्यों नहीं करते? हम उनका समर्थन करेंगे। इस सदन में जब 2012 में असम में कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो इस सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस सदन में उन्होंने बात रखी। जब कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो उसके 7 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह जी वहां पर गए, और उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा असम में जाकर, We are one people, we are one nation, we must live together as such, we must restore peace and calm throughout the area. ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं कहा? चलिए मेरे दल का नहीं, मैं आपके दल का उदाहरण देता हूं। जब 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए, तो उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गुजरात गए थे, शाह आलम के वो रेफ्यूजी कैंप में गए थे, तो सीधा सर मैं प्रधानमंत्री जी से तीन हमारी याचना है। याचना एक कि वो सदन में आकर अपनी बात रखे, लोकसभा में आए और राज्यसभा में भी जाएं, लोकसभा में भी आए और राज्यसभा में भी जाएं। हमारी याचना दूसरा
कि वो मणिपुर जाए और पूरे पार्टी को लेके जाए। ये बात हमने सदन के प्रारंभ होने से भी पहले कहा था कि अगर प्रधानमंत्री पूरा मणिपुर को में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएंगे तो हम सब उसमें शामिल होंगे। और हमारा तीसरा ये याचना है कि मणिपुर के विभिन्न समाज सेवक संगठनों को बुलाकर एक मीटिंग करिए, शांति का एक पहल रखिए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले हैं, देश के नाम को आज बदनाम करने में तुले हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। जब आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया मुजाहिदीन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम इंडियन पुलिस फोर्स की बात करते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। आप जब इंडिया को बदनाम करते हैं तो हमें तो भारत का तिरंगा दिखता है, जहां पे गेरुआ है, सफेद है, हरा है और बीच में अशोक का चक्र है। आज नफरत एक हथियार बन चुका है, नफरत एक हथियार बन चुका है वोट जीतने के लिए। वो चाहे मणिपुर में हो, वो चाहे हरियाणा में हो, वो चाहे कर्नाटक में हो, वो चाहे मध्य प्रदेश में हो। आप जितना भी नफरत फैलाएं, हमने राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपके नफरत के बाजार में हम जगह जगह पे मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। हम संविधान की सुरक्षा करेंगे, आर कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, हम इस संविधान के आदर्शों की हम सुरक्षा करेंगे। आप पूंजीपतियों का विकास चाहते हैं, सबका विकास कहते हैं, लेकिन करते हैं पूंजीपतियों का विकास, और वो भी सिर्फ 6 पूंजीपतियों का। आज भारत में एक ऐसा हमने व्यवस्था देखा है कि 6 कंपनियों के पास आज 25% पोर्ट है, 45% सीमेंट प्रोडक्शन है, 33% स्टील प्रोडक्शन है, 60% टेलीकॉम प्रोडक्शन है, 45% कोल प्रोडक्शन है। ये है आपका विकास का मॉडल, ये है आपका विकास का मॉडल। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा जिससे आप उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन दूसरे कंपनी को तो नाम ले सकता हूं। ये कैसा प्रक्रिया है सर, ये कैसा कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी बना रहे हैं? जब अप्रैल 2030 में श्री सीमेंट संघी इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहता है तो जून में ही श्री सीमेंट पर आईटी का डिपार्टमेंट का रेड होता है, और जुलाई 2023 में श्री सीमेंट एक्विजिशन से बाहर निकलता है, और अगस्त में अडानी का अंबुजा सीमेंट संघी इंडस्ट्री को। ये इकोनॉमी बना रहे हैं, ऐसा इकोनॉमी आप बनाएंगे? हम चाहते हैं पूंजीपतियों का विकास नहीं, हम चाहते हैं कि किसान का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं, हम चाहते हैं वो मैकेनिक का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं, हम चाहते हैं वो फैक्ट्री वर्कर का विकास हो जिससे हमारे पास आते हैं, वो स्मॉल बिजनेस, वो ट्रेडर्स जो हमारे पास आते हैं, हम उनका विकास चाहते हैं। आप गरीबों की बात करते हैं, आपने गरीबों के साथ विश्वासघात किया है। आज टमाटर 2050 केजी में, पेट्रोल 102 लीटर का, एलपीजी 1200 रुपए सिलेंडर का, मिल्क आज दूध के दाम पे। आपको इकोनॉमी की बात करते हैं, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, जाइए ये भाषा उस आजाद मंडी के उस आदमी के सामने वो रखिए जिसके आंसू आज पूरे देश ने देखा है, जो कहता है रो रो के कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये जीडीपी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बातें उनको समझाइएगा। आजादपुर मंडी में राहुल जी गए, आप किसान की बात करते हैं, आपके यह डेटा में आज हमको मिला है कि लगभग 10,000 किसानों ने आत्महत्या कर दी है, जिसमें से किसान है, श्रमिक है, कल्टीवेटर्स है। ये है पार्लियामेंट में आज उत्तर आता है कि MGNREGA में 5 करोड़ लोगों को आज MGNREGA से बाहर कर दिया है। ये आपका विकास है? तो सर, ये आप गरीबों पे विश्वासघात करिए, हम राजस्थान की तरह देश में महंगाई में हम राहत लाएंगे। आप आदिवासियों में अत्याचार करें, हम आदिवासी